नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भारत के लोक नृत्य के ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि चाहे केंद्र की एग्जाम हो चाहे स्टेट की एग्जाम हो, सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसएससी के अंदर तो कम से कम एक नंबर तो पक्का देकर जाता ही है हर बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड राज्य के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो विथ ट्रिक के साथ बताऊँगा मैं ट्रिक क्या है इसकी, झारखंड की। देखो, झर झर का मतलब झरना, याद रखना। यदि झरना बहेगा तो वहाँ चार पाई नहीं टिक पाएगी, छः पाई टिकेगी। तो छः पाई झरना बहेगा वहाँ छः पाई टिकेगी। छः का मतलब छऊ। एक लोक नृत्य कौन सा हुआ? छऊ। और दूसरा पाई का मतलब, पाई का कौन सा? पाई का, ये याद रखना दोस्तों, साथ साथ में नोट करते चले जाना, ट्रिक भी नोट करना। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम असम के। अब देखो, असम की ट्रिक क्या बनाई है मैंने। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, तो इसके अंदर दो लोक नृत्य हैं, वो कौन कौन से? बहू का मतलब आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है, तो यह ट्रिक आपके दिमाग में आते ही असम अपने आप आंसर में आ जाएगा। तो एक तो लोक नृत्य बिहू, एक काले गोपाल का क्या है? कली गोपाल। असम के दो कौन कौन से हुए? बिहू और कली गोपाल। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब। अब आपको पता है कि पंजाब में नशा पता खूब करते हैं, तो पंजाब के व्यक्ति नशा करते हैं तो वहाँ के पशु पक्षी हैं वो भी नशा करने लग गए, तो इसकी ट्रिक क्या बनी? पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, मतलब इसके तो इसका लोक नृत्य कौन से? गिद्ध का मतलब गिद्ध लोक नृत्य, भांग का मतलब भांगड़ा। तो पंजाब के दो लोक नृत्य हुए गिद्धा और भांगड़ा। नेक्स्ट में बात करते हैं राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान के ट्रिक क्या बनाई? कठपुतली नृत्य देखने के लिए घुमा और सुई जैसी गर्मी, मतलब कठपुतली नृत्य के लिए देखने के लिए मैं गया और वहाँ इतनी गर्मी ज़्यादा थी कि सुई जैसी चुभ रही थी, तो यह इसकी ट्रिक होगी। अब कठपुतली नृत्य तो सभी को पता है, हर व्यक्ति को पता है कि कठपुतली नृत्य कहाँ का है, तो यह राजस्थान का है। अब इसे देखने के लिए घुमा और सुई जैसी गर्मी, तो राजस्थान के इसके अलावा दो और नृत्य हैं जो इम्पोर्टेंट है। घुमा से एक तो हो गया घूमर, कौन सा? एक तो हो गया घूमर, और दूसरा सुई, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सुई का मतलब सुई सिनी नृत्य, कौन सा? सुई सिनी नृत्य कहाँ का है, तो आपको आंसर में क्या देना है? राजस्थान का है। नेक्स्ट में बात करते हैं नागालैंड। अब आपको पता है कि नाग की चोंच लंबी होती है, तो इसके नागालैंड की नाग की चोंच ट्रिक देखो अपने आप याद आएगी आपको, एक बार नहीं लगेगा कि आपने याद हो गया पूरे लोक नृत्य, लेकिन जो ये कंप्लीट होगा उसके बाद में जब कहीं भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे आप नृत्य के बारे में, तो ऑटोमेटिक याद रहेगा नागालैंड में कौन सी है नाग की चोंच। चोंच का मतलब चोंग नृत्य, आपको एग्जाम में पूछ लेगी चोंग नृत्य कहाँ है, तो आपको याद आएगा नाग की चोंच, चोंच कहाँ है? नागालैंड में। नेक्स्ट में बात करते हैं गोवा। अब आपको पता है गोवा में बियर दारू के ढक्कन बहुत खुले हैं, इस प्रकार हर संडे को ढक्कनों की मंडी लगती है, मतलब गोवा में ढक्कन की मंडी। ट्रिक क्या होगी? गोवा में ढक्कन की मंडी, ढक्कन का मतलब दक्कनी। दक्कनी नृत्य किस राज्य का है? तो गोवा का है। मंडी का मतलब मंडी, कौन सा? मंडी। नेक्स्ट में बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अब इसकी क्या बनाई कि अरुण है ने, अरुण एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो अपने सर पर मुखौटा पहन कर युद्ध लड़ने के लिए चला गया, तो इसकी ट्रिक क्या बनी? अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर, अरुण चला, तो इसकी कौन कौन से है इसके अंदर? एक तो युद्ध का मतलब युद्ध नृत्य, मुखौटों का मुखौटा नृत्य। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो नृत्य, युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य। नेक्स्ट में बात करते हैं गुजरात की। अब गुजरात के अंदर तो सभी को पता है गरबा है, डांडिया है, गरबा और डांडिया याद रखना दोस्तों। उत्तराखंड में, उत्तराखंड क्यों प्रसिद्ध है? नदियों के लिए प्रसिद्ध है, नदियों का गढ़ है, तो इसकी ट्रिक क्या होगी? नदियों का गढ़, तो गढ़ से क्या बना? गढ़वाली। गढ़वाली लोक नृत्य कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है। नेक्स्ट में बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राऊप
लोक नृत्य है, मतलब उप बहुत ठंड है, अपन नहीं करते हैं का उप बहुत ठंड है, यह ट्रिक मान लो एक तरह से, उप बहुत ठंड है, तो उप करते ही जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है, आपको पता है। नेक्स्ट में हिमाचल प्रदेश, हिम यानी बर्फ, यह ट्रिक आगे बन गई, देख ले लो। हिमाचल प्रदेश, हिम का मतलब बर्फ, बर्फ में चलने के लिए चप्पल और डंडे नाव से आगे बढ़े, मतलब बर्फ में चलने के लिए मैंने चप्पल ली और चप्पल से नहीं, उसमें पैर जाने लगे, दिसलने लगे, तो हमने एक डंडा नाव भी ली। तो इसकी दो है नृत्य, कौन से है, चप्पल का मतलब छपेली, देखो एक सार साउंड आ रहा है, चप्पल चप्पल छपेली, डंडे नाव, एक दूसरा कौन सा है, डंडे नाव लोक नृत्य कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट में बात करते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का क्या है, गाड़ी लोक नृत्य है, तो आप याद रखना छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। उड़ीसा के अंदर ओडिसी है ही, महाराष्ट्र के अंदर लावणी है ही, और मेघालय के अंदर कौन सा है, अब मेघालय की देखो कितनी अच्छी ट्रिक है, मेघ, मेघ मतलब बादल, बादल से वर्षा होती है, तो बादल से क्या बना, बागला, क्या, बागला। मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है, बागला है। नेक्स्ट में बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उत्तर में कजरी, कजरी नाम की एक लड़की है, और उत्तर में कजरी की रासलीला देख, रासलीला दिखा रही है, और एक छोटा छोरा वो उसकी नौटंगी में गुल हो गया, मतलब उत्तर की रासलीला देखने छोटा नौटंकी कुल में आ गया, इसकी यह ट्रिक है। तो उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, कजरी का मतलब कजरी नृत्य हो गया, रासलीला का रासलीला नृत्य हो गया, छोटा को मतलब छोरा, छोरा लोक नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, नौटंकी का मतलब नौटंकी नृत्य। अब कुल, यह सबसे इम्पोर्टेंट है आज की क्लास का, ऐसा मान लो, कुल का मतलब चार कुला नृत्य, जो किससे संबंधित है, ब्रजभूमि से संबंधित है, यह किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट में बात करते हैं कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर कौन सा है, यक्षगान, मतलब याद कैसे रखोगे आप, नाटक, नाटक करते हैं तो साथ में गाना भी गाते हैं, यक्षगान, यक्षगान। अच्छा, तो नेक्स्ट में बात करते हैं केरल, केरल की कौन सी अट्टम है ना, जितने भी ये केरल में है लगभग, जैसे मोहिनी अट्टम है, कृष्णा अट्टम है, काली अट्टम है, कथकली, ये केरल में है सभी। अब देखो मैं आपको बताऊं कि आज के हमारी क्लास में कौन कौन से सबसे इम्पोर्टेंट है। अब झारखंड के एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ पूरा, झारखंड के अंदर कौन सा है, छह पाई का, छह पाई का मतलब, छह का मतलब छऊ, पाई का मतलब पाई का। नेक्स्ट में असम के अंदर, असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, तो बहू का मतलब बिहू, काले गोपाल के मतलब कली गोपाल। पंजाब के गीत भांग पीते हैं, गीत का मतलब गीत नृत्य, भांग का मतलब भांगड़ा, पंजाब के लोग नृत्य। राजस्थान के कठपुतली तो सभी को पता है, घूमर और सुई सीनी। नेक्स्ट में नाक की चोंच, चोंच का मतलब चोंग। गोवा, गोवा के अंदर दक्खन की मंडी लगती है, मतलब एक तो दक्खनी एक मंडी। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर, और एक तो युद्ध नृत्य एक मुखौटा नृत्य। गुजरात के अंदर कौन कौन से हैं, गरबा और डांडिया है। उत्तराखंड नदियों का गढ़ है, तो गढ़वाली नृत्य हो गया। जम्मू कश्मीर, उप बहुत ठंड पड़ती है, तो राउप हो गया। हिमाचल प्रदेश में बर्फ में चलने के लिए चप्पल मतलब छपेली नृत्य, डंडे नाव, डंडे नाव नृत्य। नेक्स्ट में बात करते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीस गाड़ी, गाड़ी नृत्य। उड़ीसी, उड़ीसा का ओडिसी है, महाराष्ट्र का लावण है, मेघालय मतलब मेघ बादल होते हैं, तो बादल से वर्षा, बादल से बागला नृत्य, कौन सा, बागला। नेक्स्ट में बात करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तर में कजरी की रासलीला, रासलीला नृत्य कहाँ का है, राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश का छोटा ही था आपका, छोरा ही कर लो सीधा, तो छोरा नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। नौटंगी नृत्य उत्तर प्रदेश, कुल यह सबसे इम्पोर्टेंट है, चार कुला नृत्य ब्रजभूमि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट में कर्नाटक, नाटक करते हैं तो गान भी गाते हैं, सागे गाना भी गाते हैं, यक्ष गान। केरल, मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम, कथकली। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।